हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपको। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं BHU मास्टर्स के स्टूडेंट जो कि एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें BHU में किस तरीके से हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा, किन किन स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलेगा, किन्हें नहीं मिलेगा, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल में क्या फ़ीस रहने वाली है, और जो स्टूडेंट्स पास के हैं क्या उन्हें हॉस्टल मिलेगा, जिनके मार्क्स कम हैं क्या उन्हें हॉस्टल मिलेगा। तो इन सारी महत्वपूर्ण चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है, स्पेशली जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए है, यानी कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स के ही जो हॉस्टल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि BHU की साइट पर ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो अगर किसी को भी ज़रा सा भी डाउट है तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं BHU बॉयज़ हॉस्टल का जो फीस स्ट्रक्चर है। उससे पहले आप देख लीजिए कि जो आपकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ है ये किस बेसिस पे प्रोवाइड की जा रही हैं। आपकी जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं वो इस बेसिस पे प्रोवाइड की जाएंगी कि आपकी मेरिट कितनी है और जो आपका BHU से आपके घर का डिस्टेंस कितना है। मेरिट की अगर बात करें तो मेरिट का अर्थ है कि आपके मार्क्स कितने हैं, तो उसका कुछ परसेंटेज लिया जाएगा, और आपका घर कितना दूर है इस बेसिस। मास्टर्स एग्रीकल्चर बॉयज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दो हॉस्टल रखे गए हैं, बाल गंगाधर तिलक और दूसरा है राधा कृष्ण हॉस्टल। तो ये दो हॉस्टल आपके लिए रखे गए हैं, जिनकी फ़ीस 4,875 रुपये है, और दोनों ही की फ़ीस उतनी है। कई हॉस्टल में वैरी करती है, लेकिन आपके लिए जो दो हॉस्टल है मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए, तो यही आपकी फ़ीस रहने वाली है। अगर आपका घर बहुत ज़्यादा करीब है BHU के, तो ऑब्वियसली आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपको मिल पाए हॉस्टल। लेकिन अगर आपका घर दूर है तो आपको BHU में मिलेगा हॉस्टल, और आपकी मेरिट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपका जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे भी आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। गर्ल्स में मोस्टली आपको मिल जाता है सभी स्टूडेंट्स को, बॉयज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि PG आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे PG BHU के आसपास मिल जाते हैं। हालाँकि उतनी अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी जो हॉस्टल्स में मिलती है, लेकिन आपको जो खाना है मेस है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दोपहर में क्लास लेने आ रहे हैं तो आप मेस जाके यूज़ कर सकते हैं पर डे डाइट के चार्ज पर। इस हॉस्टल की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल जो एग्रीकल्चर MSc स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रखा गया है। उसकी फ़ीस 5,375 है, थोड़ी सी ज़्यादा है बॉयज़ हॉस्टल से, ऑब्वियसली थोड़ी सी जो सुविधाएं हैं उसमें फ़र्क होगा। तो ये आपका गर्ल्स हॉस्टल सिर्फ एक ही रखा गया है और उसी में सारी गर्ल्स को रूम दिया जाता है, और मोस्ट ऑफ़ द चांसेस ऐसा रहता है कि गर्ल्स स्टूडेंट को मिल जाता है हॉस्टल बॉयज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि वो नंबर में भी कम होते हैं। और बॉयज़ में थोड़ा सा ये रहता है कि आप बाहर जाकर भी हॉस्टल ले सकते हैं, लेकिन आप को जो खाना है वो आप यहाँ पर डाइट के बेसिस पे ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हॉस्टल में ज़्यादा सही खाना मिलता है बाहर के कंपैरिजन में। टोटल 3 हॉस्टल्स रखे गए हैं, 2 बॉयज़ के लिए 1 गर्ल्स के लिए, MSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए। और आप को अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग हॉस्टल मेस चार्जेस, किस तरीके से चीज़ें रहती हैं और क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आप शेयर कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के साथ जैसे उन्हें हेल्प हो। बहुत बहुत धन्यवाद।